अपने पास आया था। तो इसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा आज इस वीडियो के अंदर। मतलब ये अपने पास एक या डेढ़ महीने पहले आ गया था। तो लास्ट वाला व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, अपन ने माइलेज निकाल लिया था अपने स्विफ्ट डिजायर का, काफी अच्छा माइलेज आया था। मतलब कि मैं घर आके जब मैंने सोचा ना यार, मेरी KTM और इसमें तो कुछ ज्यादा फर्क है ही नहीं। मतलब ये अगर मैं माइलेज की बात करूँ नॉन एसी तो ये मेरे को दे दिया 26-27, और बाइक अगर मैं बात करूँ तो मतलब 25-26 से ज्यादा नहीं देते, क्योंकि जिस हिसाब से मैं चलाता हूँ, क्योंकि ऑफ रोडिंग में जाते हो ना तो हाई RPM रहते ही है, फिर उसके बाद ना हाई RPM रहते ना तो ऑब्वियसली बात है कि माइलेज आप लोगों का ड्रॉप 100% होगा, क्योंकि फ्यूल कंजप्शन ना बढ़ जाता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी धीरे धीरे ना इसके अंदर अपन मॉडिफिकेशन चालू करेंगे, तो अभी अपन आज इसके रूफ रैप कराएंगे। और आप लोगों को मैंने शायद लॉकडाउन के बाद बताया था कि जयपुर के अंदर आप लोगों को अलॉय भी मिल जाते हैं, तो यतिन को मैंने अलॉय तो दिलवाए थे, मैंने व्लॉग भी शूट किया था लेकिन मैंने फोन से शूट किया था, लेकिन उस वीडियो को एडिट करते हुए ना इतना मजा नहीं आया, इसलिए मैंने वो व्लॉग डाला ही नहीं। तो यतिन भी अपनी गाड़ी लेके ना रूफ रैप कराने आ रहा है, हम लोग जा रहे हैं रिगाल कस्टम, वहीं पे अपनी कार लेके आएगा, तो आप लोगों को अलॉय दिखा दूंगा। जो मेरे को पसंद आए थे वो उसने अपनी गाड़ी के अंदर लगवा लिए, बट कोई बात नहीं, अपन कोई दूसरे लगवा लेंगे। और ये वाली जो चीज है ये अपन आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, काफी सस्ता प्रोडक्ट है मेरे पास। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम पे यहाँ पे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहीं पे सारी अपडेट डालते रहते हैं। और ये प्रोडक्ट काफी सस्ता है, मैंने एक ही दिन यूज किया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो जैसे ये आवाज कर रहा है, ये जो डोर वगैरह कुछ भी जो छोटी मोटी नॉइज होगी ना वो खत्म करवाएंगे, फिर उसके बाद बाहर आएंगे फिर मॉडिफिकेशन करवाएंगे। क्या है ना, देखो जयपुर में कई सारे ऐसे लोग होंगे या फिर मेरे ऐसे सब्सक्राइबर होंगे, वैसे कार डेकोर पे किसी पे जाओगे ना तो आपके रूफ रैप कर देंगे वो, लेकिन क्वालिटी का आप लोगों को आइडिया नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर शीट का बहुत फर्क पड़ता है। शीट अगर लोकल कंपनी की है ना तो वो आपका पेंट उखाड़ लेगी, तो वो इस बारे में अपन यस से बात करेंगे, वो ज्यादा अच्छे से समझा पाएगा आपको, इसके मैं सारे काम ना हमेशा जानकारी में करवाना प्रेफर करता हूँ, इसलिए ये वाला काम भी मैंने यस से करवाने की सोची है। तो अभी चलते हैं। तो देखो अभी रिगाल कस्टम पहुंच चुके हैं, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। मैंने यश को कॉल किया था कि भाई मैं आ रहा हूँ, अपने को आज रूफ रैप करनी है, और मैंने यतिन को भी बुला लिया। और इस महंगाई के दौर में ना हमारा यतिन आया 20 किलोमीटर दूर से और मैं आया हूँ 18 किलोमीटर दूर से। यतिन पेट्रोल के पैसे ले से, एक रे बेस्ट प्लेट नहीं दे रहा है। ये मानसरोवर से आया है लड़का, अभी आए हैं तो कुछ लेके ही जाएंगे। ये सफारी, मैंने सोचा कि चलो सफारी में जो काम हो रहा है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी कई सारे लोगों ने ना सफारी ली है, और अपने को भी आइडिया हो जाएगा कि रूफ रैप होने के बाद गाड़ी कैसे लगती है, क्वालिटी वगैरह का पता लग जाएगा। तो इसके अंदर मैंने ये बताया कि कई लोगों को कि नॉर्मली सीट की क्वालिटी अच्छी होना जरूरी है, क्योंकि सीट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी ना तो जब उतारोगे ना तो पेंट उखाड़ लेती है। पेंट देख क्या क्या होता है, पेंट उतरता है प्लस यहाँ पे गोंद रह जाता है पूरी उसपे, और वो लोग है ना ये दबाते नहीं है इन चीजों में, तो उधड़ी हुई सी रहती है पूरी। तो इसमें जो नॉर्मल जो लोग यूज करते हैं, टू यूज करते हैं, वो कौन कौन सी है? मेरे पास देख एवरी डेनिसन है, ये वाली जो अपनी बाइक पे रैप हो रखा है ना ब्लू वाला, वो एवरी डेनिसन है। एवरी डे हाँ भैया इसकी देख लो। और इसकी पहचान है ये देखिए, इसमें ये हेक्सागन बने हुए ना इस बार। देखो भाई नई नवेली दुल्हन है, इसको वो सभी तैयार करती है, रूफ को रैप करते हैं और दिखाते हैं रूफ रैप होने के बाद कैसे लगती है। बिफोर वाली फोटोज तो इसने ले लिया, उससे पहले मैं आपको अलॉय दिखाता हूँ जो यतिन की गाड़ी में लगे हैं। चल फ्री स्टाइल, ये प्री ओन्ड गाड़ी है, मतलब कि ज़्यादा चली भी नहीं है, रिकवरी की कोई गाड़ी थी तो इसको अच्छी डील मिल रही थी, इसने ले ली। इसने तो इसने जिस दिन ली ना उसी दिन इसने अलॉय लगवा दिया, बोला कि भाई आज मूड है आज ही लगवाते थे। देखो ऐसा होता है जब अपन गाड़ी लेते हैं तो सेम डे मन करता है, उसके बाद तो मन विचलित हो जाता है। अलॉय मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाए थे, ये जो अलॉय है ये मिंडा के हैं, इसके अंदर 18mm वाले स्टड है, लेकिन इसके बाद ना इसको अपग्रेड करने के बाद ना इसके 19mm के लगाने पड़े। और ये अलॉय हम लोगों को पड़े थे 21,000 के विदाउट टायर, ये कैलिपर है, ये हमने रेड करवा दिया था। ओनली और लिखवा रखा है भाई ने, हमारा दुख यश क्या जाने। तो मैं तो रैप इसलिए कराने आ रहा था कि मेरी ये है ना सारी साफ हो जाएगी, सफाई हो जाएगी। जिन लोगों ने सफारी नहीं ली ना उन लोगों के लिए काम का होने वाला है वीडियो, क्योंकि उन लोगों को पता लग जाएगा कि रूफ रैप होने के बाद ना नई वाली सफारी कैसी लगती है। और हमारे भल्ला जी बोल रहे हैं जो सफारी लेने का प्लान कर रहे हैं वो पहले रूफ रैप कराने की प्लानिंग कर लें। काम कर रहा है तो देखो भाई दिल्ली तो गाइस अगर आप ऐसा कुछ रिबन लगवाते हो ना गाड़ी लेने के बाद तो देख लो स्क्रैचेस कैसे आ गए। लगवाने का ऑप्शन नहीं होता, कंपनी वाले लगा के देते हैं। तो मैं हटवा लो ना यार, गलत है। देखो हैंड टू हैंड हटानी चाहिए, हैंड टू हैंड हटा देनी चाहिए भाई। ये आप लोगों को सजेशन दी जा रही है, देखो निशान देख लो आप, ये निशान दिख रहा है, ये इसे रिबन का है ना, घर पे तो पूरा लाल ही कर देगी। हाँ हटा ही दियो भाई, किसकी गाड़ी है, नई की नहीं खराब हो जाएगी।
तो मून रूफ देख लो भैया, टाटा सफारी की मस्त लग रही है, मतलब बहुत ही बढ़िया है। फर्स्ट लेयर हटा रहे हो क्या? हाँ इस पर। बहुत ही मस्त लग रही है। कुछ नहीं हो रहा तो बल्ला भाई, अपने को भी पता लग जाएगा कि आदमी से रूफ रैप करवानी चाहिए या नहीं। कैसी आ रही है फिनिशिंग है? हाँ। उसका क्रेज देख रहे हो, 3 दिन पहले गाड़ी लॉन्च हुई है और चौथे दिन यहाँ पे, और एक हम है जहाँ पे 4 साल से गाड़ी हमारे पास है लेकिन आज तक अभी रूफ रैप कराने की सोची नहीं, लेकिन आप करा के जाएंगे हम कल, कल हमारी शीट आ जाएगी, ऑर्डर पे डाली हुई है। आप लोगों ने ऐसा सुना है कि आपकी गाड़ी सर्विस पे गई और आपको टायर नया मिला हो फ्री में? इस महाशय के साथ होया, अभी अभी सर्विस पे इसने अपनी गाड़ी दी थी, सर्विस पे टायर फाड़ दिया कंपनी वालों ने, इसको फ्री में नया टायर देना पड़ा। वो तो देना ही पड़ा यार। और फिर मैंने इसको ज्ञान दिया, मैंने कि अब तीनों भी नए डलवा ले। अपन ने तीनों डलवा लिए, अच्छी डील में मिल गए इसको तीनों टायर। तो भाई देखो, मेरी शर्ट पे जो अभी यूट्यूब का लोगो लगा हुआ था ना, उसको हटा रहा है। और ये विनाइल क्या है भाई? रिफ्लेक्टर, पूरा रिफ्लेक्टर है क्या? यहाँ पे एक छोटा सा डिसेंसर बनवा लेंगे क्योंकि अभी गाड़ी जी। तो देखो, अभी आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में इस प्रोडक्ट के बारे में बताया था, ये प्रोडक्ट मेरे पास 1 या 1.5 महीने पहले आया था और लकीली यश के हेलमेट में मेरे को लगा हुआ मिल गया। तो मैंने कि मैं इससे पूछ लिया, मैंने कितने दिन का बैकअप है भाई बैटरी का? 4 दिन चल जाती है आराम से। 4 दिन एक बार चार्ज। तो ये प्रोडक्ट काफी सस्ता है, 1350 का आप लोगों को प्रोडक्ट मिला। हेलमेट पॉइंट पे मिल जाएगा? हेलमेट पॉइंट वरुण भैया के पास मिल जाएगा। तो अभी मैं मेरे हेलमेट में तो क्या ही लगाऊं, आप लोगों को लगा के दिखाना था, लेकिन अभी इसमें लगा हुआ देख गया। आवाज़ आवाज सही है आप लोगों को? हाँ। सिटी राइड पे अगर कुछ काम करना है ना, मतलब कि इधर उधर जाते हो, तो आप इसको लगा सकते हो आराम से और ऐसे बात कर सकते हो। और इसमें 3 बटन है इधर, थोड़ा थोड़ा सा क्लोज आना ये यहाँ वाले से, तो ये जो बीच में जो वाला बटन दिख रहा है ना, इससे पावर ऑन होता है, ये प्लस वाला है, इससे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, इससे डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे इसका माइक है। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, ले सकते हो अगर आप लोगों को चाहिए तो। मतलब जो काम रह गया है ना, वो ये रह गया कि अभी हम लोग जा रहे हैं हैंड्रेस लगवाने, क्योंकि अभी सफारी के अंदर लगेगा टाइम, मतलब ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं, लेकिन जो उसके ऊपर के जो स्पॉयलर है ना, उसको लगाने में भी टाइम लगेगा। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, अभी हैंड्रेस लगवाने करते हैं। यश ने अभी मेरे को ना बोला है कि तू तेरी गाड़ी रैप करा ले, मैंने पेंट कराने की पूछा इससे, तो इसने मना कर दिया कि पेंट मत करवा अभी, तो रैप करा ले। तो इसने बोला कि चारकोल करवा ले, बाकी आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि क्या करना है, क्योंकि अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि मेरे को ग्लॉसी करवाना है, मैट करवाना है, करते रहेंगे। तो अभी चलते हैं अक्षय कार डेकोर पे, हैंड्रेस लगवाने चलते हैं। उससे पहले एक बार फाइनल लुक दिखा देता हूँ आपको टाटा सफारी नए वाले मॉडल का। तो ऐसा कुछ लग रही है भाई, देख लो ये, अगर किसी के पास सफारी है, अगर ली है किसी ने नई नई, तो ऐसा करवा सकते हो आप, मस्त लग रही है। तो बिफोर वाली फोटो स्क्रीन पे आ, आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि कैसे लग रही है। लेकिन इसको इसको करवाने के बाद ना थोड़ा हैवी तो ये बोल रहे हैं नहीं नहीं। तो भाई ये वाला देखो ओरिजिनल है ड्यूल टोन में, और अब ये एकदम मतलब कि सेम से लग रहा है, कोई फ़र्क ही नहीं दिख रहा है कि ये रैप किया हुआ है, मतलब कि मस्त लग रहा है। तो CVG भी रिस्टोर करी है लड़के ने, 1999। वाह, मैं आया था तब फन ने अपना लोगो हटा दिया यहाँ से। तो चले आ जा यतिन। चलो जी आ गए, यतिन की गाड़ी के अंदर लगवा रहे हैं, इसके अंदर यहाँ पीछे वाले के लिए। तो पीछे किसको बैठाएगा? ठीक है, मैंने एक परफ्यूम लिया है, अक्षय भाई ने ना सही डिसीजन, मतलब एक ही बारी में मेरा काम तमाम कर दिया। मैंने एक ही परफ्यूम दिखाया, बोले भैया ये आँख बंद करके ले जाओ, अपन ने ये ले लिया। मतलब कि मैं परफ्यूम में इतना कंफ्यूज रहता हूँ ना कि मैं 10 परफ्यूम देखता हूँ तब जाके डिसाइड कर पाता हूँ कि हाँ ये वाला लेना है। तो अभी लगवाते हैं इसका हेडरेस और फिर दिखाते हैं कैसा लग रहा है। तो देखो अभी चाय वाय पी ली है, ये अपने अक्षय भैया की शॉप है, एक और नया ठिकाना बन चुका है अपना। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो मेरी गाड़ी के अंदर सिस्टम लगा हुआ है ना, नॉर्मल है, तो अक्षय भैया ने दिखाया कि मेरी गाड़ी वाला चेक करो एक बार सिस्टम कैसा लगता है आपको, मस्त लग रहा है यार।
मजा आ गया। और सारी चीजें ना अपन धीरे धीरे करवाएंगे, एक साथ कुछ भी नहीं करवाएंगे, क्योंकि यतिन जितना अपने पास पैसा नहीं है, ये देखो एक साथ लगवा दिए कितनी सारी चीजें। हाँ भाई एक साथ लगवा दी सारी चीजें, आज फ्री हो गया तू तो। पैसा कहाँ से आ रहा है तेरे पास? सच्ची सच्ची बता, पैसा ये इनके उधारी खाता, धीरे धीरे देंगे। वो की तरह इनका भी उधारी खाता, धीरे धीरे ईएमआई बनवा लेंगे। और क्या लगवा रहे तू? आते जाते 100 200 400। ये तो हटवा ले जरा, ये टू टैग कटवा रहा था। तो भैया हैंड रेस लग गया, दिखाओ भैया, सही लग रहा है यार, कंफर्टेबल गया, इसमें होल करने की जरूरत भी नहीं है, मतलब डायरेक्ट ही फिट हो गया। देखा बैठ के दिखा, इस पे ऐसे लटक, इस पे जोर दे, प्रेशर दे। अभी परफ्यूम ले लिया, अभी इसकी शुरुआत करते हैं। तो ऐसे जानकार मिल जाता है ना, तो पता लग जाता है कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी बेकार। वाह शानदार, वैसे फ्रेगनेंस रहती है ना तो थोड़ा फ्रेश फ्रेश फील होता है। तो अभी इस वीडियो को ना यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आप लोगों को भी किसी गाड़ी पे ना, अगर आप लोगों को रूफ रैप करानी है या फिर नहीं, अगर आप लोगों ने सफारी ली है ना, तो एक बार रीगल कस्टम कॉन्टैक्ट कर लेना। मैं जल्दीबाजी के अंदर प्राइस पूछना भूल गया, बाकी आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि मेरे को कौन सा रैप कराना चाहिए, कराना चाहिए ग्लॉसी या मैट। और अभी अलॉय तो अपन नेक्स्ट मंथ डाल ही देंगे जैसे अपने टायर खत्म होंगे। तो अभी तो अगर अभी तक आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम पर यहाँ पे फॉलो कर लेना अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट हो। तो चलो मिलते हैं आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम बाय, राइड सेफ।